भारत को वनडे सीरीज में पहली बार हार का सामना करना पड़ा और जो सपना टीम इंडिया के फैंस देख रहे थे कि विराट कोहली की कप्तानी में वनडे सीरीज टीम इंडिया जीत लेगी, फिलहाल वो सपना थोड़ी देर के लिए रुक गया। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। मनी सर, आप मानेंगे कि थोड़ा सा बैड लक टीम इंडिया के लिए आ गया या विराट कोहली के लिए आ गया, क्योंकि 76 रन पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर जहां से आउट हुए टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी पूरी गड़बड़ा गई, क्योंकि ना आप 300 रन बना पाए और फिर बाकी का काम रेन ने विलेन बन के खराब कर दिया। देखिए, पहली बार जब बारिश की वजह से खेल रुका था उसके बाद लय टूटी इंडियन टीम की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शिखर धवन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही भी थी। जहाँ तक किस्मत का सवाल है, देखिए मैं हमेशा से बोलता चला आया हूँ, आप हमने कितने शोज किए हैं, मैंने हमेशा कहा है कि किस्मत के बिना कुछ नहीं मिलता है, लेकिन लक को अपनी तरफ खींचना भी पड़ता है अपनी मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से, जो कि विराट कोहली ने किया है। आप मैच बेसिकली हार रहे हैं किस्मत की वजह से नहीं, लेकिन अगर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे शॉर्टर्न्ड मैच में, और वो भी ऐसे प्लेयर के जो कि बड़ी हिट्स लगा सकते हैं, मिलर की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर नोबॉल करेंगे और वो भी एक स्पिनर, तो मुझे लगता है कि एक क्राइम है। खास से नोबॉल की भी हम बात करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे विराट कोहली के लिए भी उठ रहे हैं, क्योंकि रेन प्रिडिक्शंस वहाँ पे थी, थंडर्स हो रहे थे और कहा जा रहा था कि यहाँ पे बारिश जरूर होगी इस मैच में। ऐसे में आपने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर दिया, आपको पता तो ये जरूर था कि डकवर्थ लुइस जो है वो लागू जरूर होगा, क्या इस पे सवाल जो है वाजिब है बिल्कुल कि टॉस जीत के अगर आप पहले फील्डिंग ले लेते शायद आपको फायदा मिल सकता था उसका? नहीं, देखिए इसका दूसरा पहलू भी देखिए, आपको टारगेट कितना बड़ा चेस करना था। साउथ अफ्रीका की अगर आप बात करें, 28 ओवर में 202 रन का टारगेट उन्हें चेस करना था, मेरे हिसाब से ये टारगेट बहुत बड़ा टारगेट था। वही टारगेट इंडिया की टीम को चेस करना होता, नहीं करते तो कहते पहले बैटिंग क्यों नहीं की। सो ये तो बाद में जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो इसमें क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, लेकिन मेरे हिसाब से डिसीशन में कोई गलती नहीं थी, लेकिन 320 रन बनाने चाहिए थे शिखर धवन को। जिस तरह से विराट कोहली अपनी जिम्मेदारी को समझते, बाकी टोली अपनी जिम्मेदारी को वैसे नहीं समझती। मनी सर, ये नो बॉल की जो प्रॉब्लम है तो सॉल्व होती नजर नहीं आ रही, और ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे जब आपने डेविड मिलर को आउट कर लिया था, साउथ अफ्रीका पर दबाव आप बना सकते थे, नो बॉल निकल गई। देखिए, इतने बड़े प्लेयर को अगर आप उनकी विकेट उस समय ले लेते, 5 विकेट आउट हो चुके थे, 6ठा विकेट उस समय ले लेते, तो प्रॉब्ली कहानी कुछ और हो जाती और ये मैच जीतने में आसानी हो जाती इंडियन टीम को। नो बॉल एक्चुअली एक स्पिनर करे तो आज, बिल्कुल आज के टाइम में तो बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि एक तो आप नोबॉल की, उसमें आपको विकेट मिली, उसके बाद फ्री हिट भी मिलता है, उसमें अगर एक सिक्स लग जाए तो सारा दबाव हट जाता है। सो ये काम एक्चुअली नेट्स में किया जाना चाहिए, जो कि बॉलिंग कोच है साथ में, उनको देखते रहना चाहिए हर समय कि पैर आगे नहीं जा रहा, बल्कि हर बॉलर को कहें कि लाइन के पीछे ही पैर रखें। मुझे याद आता है कपिल देव जब बॉलिंग किया करते थे तो जो क्रीज रहती थी उसके बीच में उनका पैर रहता था नेट्स के दौरान, तो मैंने कई बार उनसे पूछा कि पाजी आप ऐसा क्यों करते हैं, बोले मैच में जब मैं एक फुट आगे से बॉलिंग कर सकता हूं, जब मेरा पैर लाइन के पास टच होगा मेरी स्पीड बढ़ जाती है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। सो ये चीज़ें हैं जो इन यंगस्टर्स को बतानी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अभी तक प्रेशर को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है इंडियन प्लेयर्स ने, लेकिन इस मैच में हमने देखा प्रेशर के अंडर सकम कर गई इंडियन टीम, क्योंकि कैच छूटा जैसे जिस तरह से श्रेयस अय्यर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फील्डर है, कैच छोड़ा, फिर युजवेंद्र चहल जो कि इतने विकेट्स ले चुके हैं इस पूरी सीरीज में, उन्होंने नो बॉल किया जिस पर कि उन्हें विकेट मिला। सो ये प्रेशर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई इंडियन टीम, जिसकी वजह से हार का टेस्ट जरूर हो गया भारतीय गेंदबाजों का, खासकर यूएस स्पिनर्स का, क्योंकि पिछला मुकाबला भी हमने देखा था अगर आपको याद हो, बारिश हुई थी और फिर ग्रिप करने में दिक्कत हो गई थी, और फिर युजवेंद्र चहल ने कहा था कि बाल्टी में पानी के अंदर बॉल को डालकर हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी, लेकिन इस मुकाबले में भी ऐसे हुआ। साउथ अफ्रीका को पता था 28 ओवर में रन चेज करने, और उसके बाद उनकी जो बल्लेबाजी थी, भारतीय स्पिनर्स को सेटल होने का मौका नहीं दिया साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी ने।